सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को कि खबरों के लिए बने रहें। पक्ष में है, अगर कानून के प्रावधान के तहत लोगों को फायदा मिलता है तो मिलना चाहिए। अभी केंद्र सरकार पर डिपेंड करता है कि वो उसको शामिल करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन हम पूरे समर्थन में हैं। कोई व्यक्ति हो, कोई श्रेणी का हो, किसी समाज का हो, किसी वर्ग का हो, अगर लीगली किसी को ताकत और मदद देने का अगर हम काम कर सकते हैं, सबको मिलकर करना चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं है। देना चाहता हूँ सरकार का कि तुरंत प्रभाव से, जो पहली बात तो ये कानून हम लोगों ने बनाया था, जो विधानसभा में पारित हुआ था, हम सब ने मिलकर सबकी सहमति से, सर्वसम्मति से इस कानून ने पारित किया था। पारित करने के बाद अगर क्रियान्वयन में कुछ कमी आ रही थी, उसका लोगों ने हमको बहुत डेलीगेशन आके मुझसे मिले और मुझे कहा कि इसमें कुछ कमी आ रही है, तो प्रशासनिक स्तर पर जो कमियाँ थी उसका हमने उल्लेख किया। और मुझे खुशी है कि सरकार ने तुरंत प्रभाव से कहा कि जो भी कमियाँ हैं, जो बैकलॉग है, उसको फटाफट उसको पूरा किया जाए। सरकार गंभीरता से कार्रवाई करेगी जहाँ पे ज़रूरत है, लेकिन इससे ज़्यादा गंभीर ये इशू है कि भारत की सीमा पर चीन गोला बारू जमा कर रहा है, और सरकार ने जो कल स्टेटमेंट पार्लियामेंट में दिया वो सचमुच बड़ा चौंकाने वाला था। अब देखना ये है कि हम लोग उसकी तैयारी में क्या कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी शुरू से कहते आ रहे हैं, आज से नहीं कई महीनों से कहा, कोरोना बढ़ रहा है और ये बहुत फैलेगा। आज मेरे ख्याल में हम 50 लाख क्रॉस कर चुके हैं भारतवर्ष में, तो जब बाकी देशों में कोरोना कम हो रहा है, हमारे यहाँ बढ़ रहा है, इसके लिए सरकार अब क्या कर रही है? हम तो सब सहयोग देने को तैयार हैं। चीन को मुंहतोड़ जवाब देना है, अपनी सीमाओं की रक्षा करनी है, इसके लिए पूरी सेना के साथ एक एक नागरिक खड़ा है, 130 करोड़ लोग एकजुटता से खड़े हुए हैं। लेकिन केंद्र सरकार स्पष्ट तो करे ना, तो पार्लियामेंट के अंदर ना पार्लियामेंट के बाहर, ना प्रधानमंत्री महोदय ना रक्षा मंत्री महोदय लोगों को विश्वास में लेकर काम कर रहे हैं। एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए, बताना चाहिए कि तथ्यात्मक स्थिति ये है, ये हमारी कार्य योजना है, इसको हम काम करेंगे। लेकिन देश में इतनी चुनौतियाँ हैं, उसके बीच में आपने ये किसानों का पेट पर लात मारने का काम किया, तो ये बदनीयत दिखती है केंद्र सरकार की सामने। प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट एंड प्रेस द बेल।